Hey, what's up everyone, welcome back to another video. और भाई this is the most requested episode of this series. ये series जो है learn streaming with me, इसको चलने को बहुत time हो गया है and इस पर बहुत बढ़िया support मिल रहा है. I teached and I gave tutorial of everything that can be used in a intro, in a stream, stream package, stream overlay कैसे बनाते हैं, Android plus PC दोनों पे मैंने ये बता दिया है. एंड अभी बताने वाला हूँ ये दो episodes में कि भाई आपको ये जो एलिमेंट्स हैं इनको यूज़ कैसे करना है अपने एंड्रॉयड स्लैश पीसी में. तो आज का एपिसोड बेसिकली बेस्ड है हाउ टू स्ट्रीम करेक्टली एंड स्ट्रीम प्रोफेशनली ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस. एक रुपये खर्चने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, और मज़ा आ जाएगा लिटरली. एंड यू कैन स्टार्ट स्ट्रीमिंग एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर बेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बेसिकली यूट्यूब. सो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आज के लिए, यू ओनली नीड स्ट्रीम लैब्स फॉर स्ट्रीम. ठीक है, अपनी स्ट्रीम को करने के लिए सिर्फ स्ट्रीम लैब्स चाहिए. लेकिन अगर आपने स्ट्रीम अपने स्ट्रीम में एनिमेटेड ओवरले लगाना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा गूगल फोटोज प्लस अलाइट मोशन. सो गूगल फोटोज प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, स्ट्रीम लैब्स भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड अलाइट मोशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हो. एंड एक प्रोजेक्ट फाइल है अलाइट मोशन डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डाउनलोड आपको करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप अपना एनिमेटेड ओवरले सेट कर पाओगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. स्ट्रीम लैब्स डाउनलोड करने के बाद आपने आज ना स्ट्रीम लैब्स में, ठीक है, एंड यू हैव टू लॉग इन हेयर विद यूट्यूब विद ट्विच एंड विद फेसबुक, वट एवर प्लेटफॉर्म यू वॉन्ट टू स्ट्रीम ऑन. मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम करना चाहता हूँ, सो आई विल गो विद यूट्यूब. एंड ध्यान रखना है आपने उसी आईडी उसी जीमेल से आपने ये लॉग इन करना है जिस यूट्यूब चैनल पे आप अपनी स्ट्रीम करना चाहते हो. सो आई विल गो फॉर लॉग इन एंड देन आई विल कम बैक. लॉग इन करने के बाद यूट्यूब पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे लिखा होगा लेट्स गेट यू सेट अप. आपने सिंपली स्क्रीन पे टैप करके नेक्स्ट कर देना, आपको कैमरा नहीं ऐड करना है. एंड यहाँ पे आपने जो अलर्ट बॉक्स टिक रहेगा उसको अनटिक करके डन कर देना है. एंड इसके बाद आप स्ट्रीम लैब्स में एंटर हो जाओगे एंड यू हैव टू जस्ट लीव इट देयर. इसके बाद स्ट्रीम लैब्स के बाद हम चलते हैं अलाइट मोशन की तरफ. तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है. देखिए आपको लिंक ऐसा कुछ होगा एंड रीडायरेक्ट कर देगा आपको अलाइट मोशन पे. ध्यान रखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में से आपने अलाइट मोशन डाउनलोड किया हो एंड ये वेरीफाइंग लिंक करके इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है. 6 MB का पैकेज है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है. एंड मैसेज कर लो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है. सो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए ये मेरा ओवरले है, इसमें सेट है. एंड बेसिकली आपने करना है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना. बेसिकली यू हैव द रेशियो फॉर द रिक्वायर्ड ओवरले. सो मैं यहाँ पे अपना ओवरले भी लेता हूँ, ठीक है. सो दिस इज माई ओवरले. आपको कुछ ऐसा ओवरले दिखेगा, आपने क्या करना है आपने इसको बड़ा करना स्टार्ट कर देना, ठीक है. पूरा स्क्रीन पे पहले तो आपने इसको फुल कर देना है ग्रीन इसकी स्क्रीन, देन इसको मूव करके ऊपर लेके आना है लाइक दिस. एंड इसको प्ले करके देख लेना कि हमारा पूरा फ्रेम जो है वो ओवरले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओ ये तो गलत है भाई, ये गाइस मैंने गलत ओवरले चूज कर लिया. एक मिनट, आई थिंक दिस इज द ओवरले. व्हाट इज हैपनिंग मैन, या दिस इज द ओवरले. आपने इसको फिर बड़ा करना स्टार्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल एंड तक बड़ा कर देना है. देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके ऊपर ले, ओ फक भाई, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके ऊपर लेके आना है. एंड देन यू कैन सी योर ओवरले इज इन द प्लेस. आपने इसको ऐसे कर देना. और मैं एक और भाई एक और यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि ये जो ट्रिक है ये कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करवाई थी मिलन जी ने. भाई इन्होंने सबसे पहले इस ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराया था कि एनिमेटेड ओवरले अपने स्ट्रीम लैब्स में कैसे यूज़ करते हो. सो मेक श्योर टू चेक आउट हिज चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. सो आपने इतना करके आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करके आपने GIF में जाना है. सेटिंग्स यहाँ पे देख लीजिए, रिड्यूस सेटिंग्स रखनी है, एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन को नहीं छेड़ना, सिंपली रिड्यूस करके आपने एक्सपोर्ट कर देना है एंड इट विल एक्सपोर्ट. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जितने टाइम तक ये एक्सपोर्ट हो रही है ना भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड इस वीडियो को, बिकॉज भाई हमने 100K पे जाना है इस साल 2020 में. सो विदाउट एनी फर्दर डू सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है. जैसे एक्सपोर्ट हो गया आपने इसको सेव कर लेना है एंड सेव करने के बाद आपने अलाइट मोशन को बंद कर लेना है एंड फर्दर स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं. तो गाइस अलाइट मोशन में ओवरले को एक्सपोर्ट करने के बाद आपने अपने क्रोम पे
एंड क्रोम पे जो भी टैब्स खुले उसको क्लोज कर देना पहले, तो अगर थोड़ा कुछ खुला है तो. एंड आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल फोटो या फोटोज, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं. एंड गूगल फोटोज सर्च करने के बाद आपको गूगल फोटोज की वेबसाइट खोलनी है, हमने ऐप नहीं खोलना है, वेबसाइट खोलनी है. सॉरी दिस इज नॉट द वेबसाइट. सो नीचे जाना है आपने, ओ भाई सही में, गो टू गूगल फोटोज, ये आपने क्लिक करना है photos.google.com एंड दिस विल ओपन. ठीक है, एंड भाई मेरा तो पहले से अपलोडेड है. व्हाट यू हैव टू डू इज आपने सिंपली इसको अपलोड करना, अपलोड पे क्लिक करें, अपने फ़ोन पे क्लिक करना है, एंड देन आपने जाना है फाइल्स में, एंड फाइल्स में जाने के बाद यू हैव टू गो टू वीडियोज एंड यू हैव टू, ये लाइट मोशन में जाके आपने अपना न्यू प्रोजेक्ट जो ये GIF टाइप का है इसको आपने अपलोड कर देना है. एंड इट विल से प्रिपेयरिंग फोटोज अपलोडिंग टू गूगल फोटोज, एंड इसको वेट करना है, ये अपलोड हो जाएगा. सो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास आपके सामने ये, ओ फक, मैंने गाइज एक गलत जो है वो अपलोड कर दिया, बट हाँ सेम ही प्रोसीजर है. आपने GIF वाला ओवरले जो अपलोड कर देना है, और ये वाला ओवरले जैसे आप देख सकते हैं मेरा ओवरले, ऐसे आपका ओवरले आ जाएगा. क्वालिटी एकदम टट्टी है, लेकिन दैट डजंट डिपेंड हेयर. आपने करना है, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको ऐड टू एल्बम कर देना है, एंड ऐड टू एल्बम करते ही सारी एल्बम्स आपकी लोड हो जाएगी. तो मेरी एल्बम ऑलरेडी बन रखी है ओवरलेज नाम की, आप एक नई एल्बम भी बना सकते हैं, बट आई विल ऐड इट इन ओवरलेज. तो ओवरलेज पे ऐड करने के बाद ये एडिंग होगा एंड इसको व्यू कर देना है. मैं पता नहीं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ. व्यू करने के बाद आपने इस पर एक बार ही टैप करना है इसके ऊपर, एंड देन ये खुल जाएगा. ठीक है, इसको लोड होने देना है, एंड इसका जो URL है वो कॉपी कर लेना है. URL कॉपी करने के बाद आपने इसको एक न्यू टैब में ओपन कर देना है, एंड जब इसको पेस्ट करके आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारा ओवरले यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, ये हमारा ओवरले है, एंड देन यू हैव टू कॉपी दिस URL सिंपली. एंड फिर हमने कहाँ पे जाना है, हमने जाना है अपने स्ट्रीम लैब्स एप्लीकेशन में. सो हेयर आई एम विद माई टट्टी कैमरा, एंड मैं अपने फ़ोन पे हूँ. सबसे पहले स्ट्रीम लैब्स पे 3 डॉट पे क्लिक करके एडिटर में चले जाना है, एंड आपको राइट साइड दिखेगी 3 डॉट्स अगेन, देखिए ये रही. ठीक है, इस पर आपने क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना है, एंड आपने चले जाना है स्ट्रीम लैब्स विजेट्स में. अब भाई हो जा क्लिक, ओके ऐड विजेट, एंड आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम URL पे. यहाँ पे जो HTTPS लिखा होगा इसको इरेज कर देना है आपने, एंड यहाँ पे जो पेस्ट कॉपीड हमारा लिंक है उसको पेस्ट कर देना है, एंड डन कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है. तो ऐड आपका ओवरले हो जाएगा इस टाइप का. आपने अपने दिमाग में सोचना है कि जो ओवरले का साइज़ जो था वो कितना था, सो आपने उसी साइज़ को लेके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, एंड जो आप ऊपर टिक दिख रहा है उसको टिक कर देना है. जो कौन साइड है ये, लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड, आपको पहले स्क्रीन को मैं जैसे देख रहा हूँ एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड आपको इसको टिक कर देना है. अब क्या करना है आपने कि अपना जो स्ट्रीम लैब्स उसको रीस्टार्ट कर लेना है. सो ये रीस्टार्ट होते ही आपका जो ओवरले वो शो हो जाएगा आपके एडिटर में. आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे जो है ये ओवरले शो हो जाएगा प्ले होता हुआ. सो इट्स प्लेइंग, दैट इज़ द प्रूफ दैट इट्स एनिमेटेड ओवरले. अभी आपको स्ट्रीम करके भी दिखाऊंगा कि स्ट्रीम पे ये ओवरले कैसा फील होता है. सो आपने अब जो सेटिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत अलाइनमेंट्स वो कर लेनी है, एंड जो और चीज़ें ऐड करने वाली होती है वो आपने कैसे ऐड करने में बताऊँगा. फिर से जाना एडिटर में, एंड फिर से लेयर वाले सेक्शन में प्लस में स्ट्रीम लैब्स विजेट जाना है, एंड यहाँ पे अलर्ट बॉक्स ऐड कर देना है. अलर्ट बॉक्स क्या होता है, अगर किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसका नेम आएगा, जैसे मैंने किया तो ऊपर यहाँ पे नेम आएगा एमलेट सब्सक्राइब्ड योर चैनल, बहुत बढ़िया. इसके बाद जाना है आपने फिर से स्ट्रीम लैब्स विजेट में, यहाँ पे चैट बॉक्स ऐड कर देना है. चैट बॉक्स जैसे नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी चैट जो आएगी वो आपकी स्क्रीन पे भी शो होगी. सो इट्स अ चैट बॉक्स, ओके. ये दोनों ऐड करने के बाद आपने टिक पे ज़रूर क्लिक कर देना है, एंड पे ध्यान रखने की जो स्क्रीन वाली लेयर है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, एंड बाकी सब उसके ऊपर. एंड जो टिक है उसको क्लिक कर देना है, एंड जो ये बीच में आपको रेड कलर का बड़ा सा बटन दिख रहा है ना, जो लाइक ऐसे वाईफाई से बने हुए, तो वो बटन क्लिक करते ही आपकी जो स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो आई विल टेल यू, उसको क्लिक करते हैं यहाँ पे परसिस्टेंट पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है स्ट्रीम टू मेन चैनल और अदर परसिस्टेंट स्ट्रीम. तो उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है गेटिंग ब्रॉडकास्ट गेटिंग वीडियोज, तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, एंड देन आपकी जो जैसे ही रेड टाइमर स्टार्ट होगा, रेड कलर का टाइमर चलना स्टार्ट हो गया, मतलब आपकी स्ट्रीम स्टार्ट है. आप ऊपर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी मैं जो है रोटेट करूँगा अपना कैमरा, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम को. सॉरी, आपका ओवरले आपकी स्ट्रीम पे कैसा लग रहा है. सो मैं अपना कैमरा जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ.
सो अवर स्ट्रीम इज़ ब्रॉडकास्टिंग और ऑन अवर यूट्यूब चैनल एंड आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये मेरा जो है यूट्यूब स्टूडियो खुला हुआ है एंड अभी स्ट्रीम जो है वो प्रोसेस हो रही है. सो इट विल टेक सम टाइम, स्ट्रीम लैब्स और यूट्यूब को कनेक्ट होने में टाइम लगेगा. सो जस्ट बी पेशेंट एंड वॉच कि भाई क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है. सो आई विल गो बैक एंड रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन ताकि मेरी जो स्ट्रीम है वो आ जाए. वैसे ये स्ट्रीम यहाँ पे लाइव दिखा रही है बट इट हैज़ नो आउटपुट, तो मैं इसको पहले अनलिस्टेड कर दूं. सो बिकॉज इट्स अ टेस्ट स्ट्रीम एंड देन मैं अगेन अपना जो YouTube स्टूडियो है वो खोल के देखूंगा कि मेरी स्ट्रीम वर्किंग कर रही है, चल रही है कि नहीं. सो एज अभी आप देख सकते हैं अभी लिखा है कनेक्टिंग स्ट्रीम सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट टू गो लाइव, तो ये अभी कनेक्ट हो रहे हैं एंड आपको इनको कनेक्ट होने देना है, ठीक है. एंड यही सेम प्रोसीजर जो है वो एंड्रॉयड पे भी हो जाएगा डेस्कटॉप साइड करके, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है फुल स्क्रीन पे, आपको एक स्ट्रीम हमारी चल रही है वो चला के मैं दिखाता हूँ. सो ये रही हमारी स्ट्रीम एंड एज यू कैन सी कि हमारा जो एनिमेटेड ओवरले है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है एंड जो हमारी चैट है वो भी दिख रही है, ठीक है. देखिए आप चैट देख सकते हैं. सो यू कैन सी कि हमारा एनिमेटेड ओवरले बिल्कुल परफेक्टली, भाई जीवन का कॉल आ गया, सेट एनिमेटेड ओवरले बिल्कुल परफेक्टली सेट हो रहा है एंड एनिमेट भी हो रहा है. आई नो कि उसमें थोड़ी सी जो क्रैपीनेस है क्योंकि वो एक GIF फाइल है तो उसमें आपको डिज़ायर्ड फ्रेम रेट्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ इट्स एन एनिमेटेड ओवरले एंड इट लुक्स गुड. ऐसा नहीं है कि ये बुरा लगता है, बिल्कुल बढ़िया लगता है ये. एंड आपको पबजी चला के दिखाऊंगा जो मेरे पास एक्चुअली दिस टाइम पे पबजी ही गेम है, पबजी सब्जी, बट यू कैन प्ले एनी गेम इन द वर्ल्ड. तो मैं फटाफट यहाँ पे पबजी ऑन कर देता हूँ. सो पबजी ऑन हो गई है, मैं पूरी ऑन नहीं करूँगा. तो नीचे मेरा फ़ोन पे पबजी ऑन हो रही है एंड इधर मेरी पबजी मेरी स्ट्रीम पे चल रही है. नीचे आप एनिमेटेड ओवरले भी मेरा देख सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी स्मूथ स्ट्रीम. जैसे कि आप एनिमेशंस ऑल इन एंड आउट एनिमेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ द ओवरले, यू कैन सी क्लियरली, ठीक है. एंड डाउन मैं करके अभी आपको दिखाता हूँ कि नीचे भी मेरी स्ट्रीम जो है स्ट्रीम में पबजी चल रही है सीजन 14 स्पार्क द फ्लेम, ओके. एंड यहाँ पे भी मेरी सेम पबजी जो है वो चल रही है. तो गाइज यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि एक स्ट्रीम एनिमेटेड ओवरले एंड अलर्ट बॉक्स एंड चैट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं, क्वालिटी स्ट्रीम अपने एंड्रॉयड से कैसे करते हैं. अभी मैं बताऊंगा कि आप अपना स्ट्रीम पैकेज कैसे यूज़ कर सकते हैं. मैं एक नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा आपको स्ट्रीम पैकेज कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा. यू हैव, जब आपकी स्ट्रीम, जैसे आपने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी तो आपने अपना वीडियो प्लेयर खोलना है. कोई भी वीडियो प्लेयर हो सकता है, वो आपका फ़ोन का इंटरनल वीडियो प्लेयर, MX प्लेयर, VLC प्लेयर, ठीक है. कोई भी वीडियो प्लेयर हो और आपकी स्ट्रीम्स चल रही है, आपने लूप में वो वीडियो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून की वीडियो जो है वो वहाँ पे चला देनी है. जैसे कि ऐसा लगे कि भाई आपका जो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून चल रहा है, आप समझ गए होंगे कि आपने सिंपली स्ट्रीम स्टार्टिंग सून की वीडियो अपने स्ट्रीम पे चला देनी है एंड भाई उसको लूप कर देना है, कम से कम 10 मिनट का लूप करके एक्सपोर्ट कर लेना है काइन मास्टर में एंड देन वीडियो को प्ले कर देना है जब आपकी स्ट्रीम चल रही होगी. स्ट्रीम जैसे आपने स्टार्ट करी और वीडियो को आपने प्ले कर दिया एंड देन जो व्यूअर्स हैं उनको लगेगा कि भाई ये तो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून चल रही है, बहुत बढ़िया. ऐसे सेम आपने करना है अपने एंडिंग पे. तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेरे को आइडिया आया था तो मैं आपको ये बता रहा हूँ. अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्ट्रीम लैब्स के अलर्ट, जो हमने अलर्ट बॉक्स लगाया था, उसको कैसे कस्टमाइज करना है. सो भाई चलते हैं अपने क्रोम में. गाइस क्रोम में आपने सर्च करना है स्ट्रीम लैब्स, सिंपली स्ट्रीम लैब्स आपने सर्च करना है एंड आपने फर्स्ट साइट पे चले जाना है क्योंकि streamlabs.com. फिर आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ, जैसे मेरा डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा होगा लॉगिन का. तो आपने लॉगिन कर लेनी है जीमेल आईडी से, वही सेम आईडी जिस आईडी से आपने अपने ऐप में जो है उसको किया है. इसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा. यहाँ पे आपने जाना है अलर्ट बॉक्स में, राइट पे अलर्ट बॉक्स, लेफ्ट पे अलर्ट बॉक्स दिखेगा. अलर्ट बॉक्स में जाते ही आपने जाना है सब्सक्राइबर्स में एंड यहाँ पे भाई आपको नीचे एक एनिमेशन चलती दिखेगी. ये एनिमेशन क्या है भाई, जब आप अपनी कोई आपका चैनल सब्सक्राइब करेगा तो ये एनिमेशन आपकी स्ट्रीम पे आएगी एंड यू कैन ऑल्सो चेंज दिस एनिमेशन की. चेंज मीडिया पे क्लिक करके आपने यहाँ पे साइड पे दिख रहा होगा स्टॉक फाइल्स एंड इमेजेस पे जाना है तो आपको लोड्स एंड लोड्स ऑफ इमेजेस दिख जाएंगे. आप कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो कैंसिल मैं कर देता हूँ, मैंने चूज़ नहीं करनी है. एंड इसके नीचे आपको दिखेगा साउंड एंड साउंड अगर प्ले करेंगे तो ये साउंड प्ले होगी जब आपको कोई सब्सक्राइब करेगा, ठीक है. एंड ऊपर आपको एक यहाँ पे लिखा होगा मैसेज टेम्पलेट, तो यहाँ पे आपने अपना मैसेज लिख देना है. नेम एंड ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है उसको क्लियर नहीं करना है. इसके बाद
जो भी आपने लिखना है लिख दीजिए, जैसे कि लिख देना आपने हैमलेट इज़ नाउ द मेंबर ऑफ लिट फैम, या हैमलेट इज़ हैमलेट वेलकम टू द लिट फैम फैमिली, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड आपने ये ध्यान रखना है कि जो सब्सक्राइबर अलर्ट है वो इनेबल हो। एंड लास्ट में आपने क्या करना है, सेव सेटिंग्स ज़रूर कर देनी है। एंड भाई आपका पूरा स्ट्रीम लैब्स जो है वो सेटअप हो जाएगा एक प्रोफेशनल क्वालिटी स्ट्रीम के लिए। सो गाइस दैट इज अबाउट टुडेस वीडियो। भाई अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाँ मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, बट यार आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। सो गो ट्राई इट योर सेल्फ, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड भाई अभी तक जो है 2020 में भी फ़ोन में स्ट्रीमिंग करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट स्टेबल। ये ओवरले वाली ट्रिक भी इतनी स्टेबल नहीं है, जो कस्टम यूआरएल वाली चीज़ थी वो इसके लिए नहीं बनी थी, लेकिन वी यूज्ड इट फॉर एन एनिमेटेड ओवरले। तो गाइज इसको अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं मिली है, तो ये क्रैश भी कर सकता है, कभी कभी आपको ओवरले आएगा कभी कभी नहीं आएगा, सो यू हैव टू चेक इट। एंड भाई अगर आपको एनिमेटेड ओवरले चाहिए सो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक, या बेसिकली एक वर्क करती है हमेशा, बट कभी कभी होता है कि ओवरले आपका गायब हो जाता है बीच में। आए मैंने वो भी जो है फेस किए है ये वाली प्रॉब्लम। सो भाई आई प्रेफर कि आप एक मतलब मत ही ऐड करिए ओवरले, बट हाँ जब ओवरले ऐड करते हो कते सेक्सी मज़ा आ जाता है भाई ओवरले देख के, एक एनिमेटेड स्ट्रीम में, एनिमेटेड ओवरले में, एनिमेटेड स्ट्रीम में जो सब कुछ एनिमेटेड का तड़का लग जाता है। भाई अभी मैं बहुत बोल रहा हूँ बिकॉज भाई मैं चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रीमिंग करियर है वो बहुत बढ़िया बन जाए। सो भाई हाँ ये वीडियो देखने के बाद गो सेटअप एवरीथिंग इन स्ट्रीम लैब्स, सारा का जो वो प्री सेट है वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइट मोशन का, जाकर डाउनलोड कर लो। गो सेटअप योर स्ट्रीम लैब्स एंड स्टार्ट योर स्ट्रीमिंग करियर टुडे। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करेंगे, अगर उसका सोल्यूशन हुआ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बिकॉज यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे जो है वो अपडेट्स आते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, एमलेट साइनिंग आउट।